वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है एक रियलिस्टिक आई बनाने का। द मटेरियल जो है वो बहुत कॉमन है, दैट इज़ द फेविक्रिल मोल्डेड। अब इसको बनाने के कई तरीके हैं, बट ये जस्ट एक मेरा तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज वाटर। ये जो आईज है वो हाफ है, क्योंकि मुझे जो काम करना है, जिस काम के लिए इनको यूज़ करना है, उसके लिए आई ओनली नीड हाफ ऑफ देम। आप चाहिए तो आप सर्कुलर आईज भी बना सकते हो, उसके लिए कुछ अलग मेथड नहीं होगा। यूज़ एक्रेलिक कलर्स और फोटो ब्रश। आप कोई भी फ्लैट ब्रश या फिर पॉइंटेड ब्रश यूज़ कर सकते हो। जो आई का ग्लेज इफेक्ट होता है उसको लाने के लिए मैं इपॉक्सी रेजिन यूज़ करूँगा। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो फॉर श्योर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ उसके बारे में मिल जाएंगे। अब अगर चाहते हो कि मैं इपॉक्सी रेजिन पे कुछ वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से मैं पोर कर रहा था, इसलिए इस प्रोसेस का प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाया। सूखने के बाद इपॉक्सी रेजिन पे ब्लश क्रिएट हो जाता है और उसको हटाने के लिए वी डू दिस प्रोसेस। अब स्क्रबिंग करने के बाद इसका जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो निकल जाता है, तो उसे वापस लाने के लिए हम लोग रबिंग कंपाउंड यूज़ करेंगे और उसके बाद पॉलिश यूज़ करेंगे। रब करने के बाद हमारा जो ग्लेज इफेक्ट है, जो ग्लॉसी इफेक्ट जो हमें चाहिए, वो धीरे धीरे आने लगता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक्स अगेन। अगर वीडियो पसंद आया तो श्योर लाइक करिए, ऑल्सो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। अगर आपके डाउट्स हो गए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड आप मेरा हैंडमेड आर्टवर्क चेक कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑल्सो यू कैन विजिट माई वेबसाइट एज़ वेल।